24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर जो आइसोलेट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे अधिक कटक के कांतापाड़ा में 11 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उसके अलावा दो जगह भवानीपटना और बोलांगीर में डेंस फॉग भी ऑब्जर्व की गई है। शैलो और मोटर फॉग एक जगह बारीपदा में ऑब्जर्व की गई है। जो मिनिमम तापमान बारीपदा में 10.6 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट मिनिमम तापमान में टेम्परेचर दर्ज किया गया कीरी के AMFU में 10.4 डिग्री सेल्सियस और कोरापुट में जो कि एक हिल स्टेशन 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके अलावा भुवनेश्वर में 16.4 और कटक में 14.5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन उड़ीसा के आसपास जो वेदर सिस्टम की वजह से जैसे कि बे ऑफ बंगाल में एंटी साइक्लोन की वजह से मॉइस्चर आ रहा है और उसके अलावा तेलंगाना के साइड में सर्कुलेशन है और उसके अलावा जो हमारे ट्रफ सिस्टम है उसकी वजह से जो है अगले 3 दिन तक जो है बारिश रहेगी और उसके बाद day 4 to day 7 तक आपका ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसमें अगर बात करें आज 23 तारीख को तो 23 तारीख को हमारे जो कुछ कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसमें हमारा नॉर्थ उड़ीसा, साउथ कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट नुआपाड़ा, बोलांगीर, कंधमाल, रायगढ़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा बाकी जो बची जगह है उसमें पूरे उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट के कुछ कुछ स्थानों पे एक दो स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 24 तारीख को कल भी जो उड़ीसा में जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है उसमें कोस्टल उड़ीसा, रायगढ़ा, कालाहांडी, कंधमाल, बोध, ढेंकनाल, मयूरभंज, केवंझर ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ कुछ स्थानों पर और बाकी जो वेस्ट उड़ीसा पे एक दो स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। फिर day 3 में जो है हमारे गजपति, गंजम, पुरी, कंधमाल, रायगढ़ा, कोरापुट, जगतसिंहपुर ये डिस्ट्रिक्ट में जो है आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है। उसके अलावा बाकी जगह पे ड्राई वेदर रहने की संभावना है। बात करें मिनिमम तापमान के फोरकास्ट की तो अगले 2 दिन तक तो मिनिमम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद में जो सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे जो तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक फॉल करेंगे ज्यादातर स्थानों पर उड़ीसा में।